Hello, Vanchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वन शॉट टेंसेस, यानी आपके ग्रामर सेक्शन का ऐसा टॉपिक जिसमें से आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो आपको अपने वो 2 से 3 नंबर पक्के करना है, तो भाई इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम सारे रूल्स कॉम्बिनेशंस विद एग्जांपल्स सिर्फ एक इस आधे घंटे के सेशन में करने वाले हैं। So what are you waiting for, guys? I hope you have already hit the like button, subscribe to the channel. अब नहीं करा तो जल्दी से करो. And I hope you all are doing great. चलिए then let's quickly discuss the session flow. कि आज के session का flow क्या होने वाला है. तो बच्चा हम tenses को समझेंगे, उनसे related सारे rules को समझेंगे with the help of examples plus combination of tenses, जिससे अक्सर questions आते हैं तो बच्चे confused हो जाते हैं. उसको भी करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड आई हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। एंड अगर आप होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हो तो मैं आपका नाम पिक करूंगी वहां से फॉर होमवर्क होम ब्रदर्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो किडोज, हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल कुछ ये रहा, ठीक है। अगला सेशन आपके पास आएगा वीआईपी सीरीज ऑन द रूल्स फॉर द टॉप, जो कि कल संडे को 9 बजे आएगा। सो प्लीज इस सेशन को भी देखना ताकि आपके पास रीच फॉर द टॉप के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाए। ऑलराइट, moving ahead, so this is a dose for the motivation. If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success. तो वो लोगों ने बोलना क्या चाह रहे हैं कि भाई अपने goals अच्छे रखो, high रखो, but इतने भी high मत रखो जो achieve ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो अपनी expectations को ना अच्छे से set करना चाहिए, moderately set करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक अच्छी expectation set करके guaranteed इस वीडियो के बाद आप कहीं और नंबर लूज करो ना, टेंसेस में तो पक्का नहीं करने वाले हो। ऑलराइट, चलिए मूविंग अहेड, लेट्स अप्रिशिएट आवर होमवर्क होम रनर्स। सो प्रांजल, इंट्रोवर्ट एंटरटेनमेंट, अवंतिका, शीतल, हर्षित, निशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है। अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पर देखना है तो बच्चा एंड तक सेशन देखना, एंड में दिए गए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ना प्लीज कॉमेंट सेक्शन में डाल देना। Moving ahead, kiddos, चले ना, without any further ado, ठीक है, we'll get into our topic, which is tenses. Tenses होते क्या है, जरूरत क्या है tenses की? Tenses, let me tell you, ये बहुत important है grammar के लिए। Grammar tenses के बिना अधूरी है। क्यों? क्योंकि tenses हमें बताते हैं कि काम कब हुआ था, ठीक है, और जो काम हुआ था वो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कभी भी हुआ हो, वो किस हद तक कंप्लीट हुआ था। तो वो आपको यू नो स्टेट भी बताते हैं, साथ ही साथ टाइम भी बताते हैं एक्शन का, ठीक है। और टेंसेस के काफी सारे सब टाइप्स, काफी सारे रूल्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लें कौन से सब टाइप्स है। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट में भी सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हुए फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इस हर टेंस को एक यू नो स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज करा जाता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ यूज करा जाता है। तो जब भी आप किसी भी टेंस को पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आप इस टेंस को यूज कर सकते हो और इसका फॉर्मेट क्या है। और हम ये सारे के सारे 12 टाइप्स को आज डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस आपको क्या बताते हैं कि एक्शन जो है या तो अभी हो रहा है या होता है, रोज होता है, ठीक है, या फिर एक यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कब यूज करते हो, जो आपके रूटीन एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, तो ऐसी चीजों के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो। और इसके अंदर हमेशा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। बट लेट मी टेल यू, उसके अंदर भी एक अलग झमेला है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आपको वर्ब के आगे एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई या यू है तो आप एस या ईएस नहीं लगाओ। लेट मी रिपीट माई सेल्फ फॉर क्लैरिटी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट किसी का नाम है, तो आपको वर्ब के आगे एस या ई एस लगाना पड़ता है। और अगर प्लूरल है या फिर आई या यू है, वी, दे, बहुत सारे लोग, तो आप एस या ई एस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, शी गेट्स अप एवरी डे एट 5 AM। अब उसकी ये रूटीन है, हैबिट है, तो यहाँ पर हमने
सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करा, प्लस उसके आगे एस लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट. ही लाइक्स टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, अगेन इट्स अ हैबिट. ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पे एस लगाया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल. अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन लंडन, डू रीता एंड एंजेला लिव इन मैनचेस्टर, दे डोंट वर्क एट द वीकेंड एंड द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206 बोन्स. अब ये सारे के सारे सेंटेंसेस या तो फैक्ट्स हैं या जनरल ट्रूथ्स हैं या फिर हैबिचुअल या रूटीन के एक्शंस हैं, इसीलिए हमने इनके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया. एडिशनली डू और डज में भी मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हो, आई ही शी इट, सॉरी आई नहीं ही शी इट या किसी का नाम, तो आप डज यूज करते हो. वहीं अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट या आई या यू ले रहे हो तो आप यू लगाते हो. जैसे कि इस सेंटेंस में दे डोंट वर्क एट द वीकेंड में हमने डू लगाया है क्योंकि दे है प्लूरल सब्जेक्ट, अगर शी होता तो डजंट लगता. रिमेंबर दैट. Moving on to present continuous tense. Present continuous tense आप कब यूज करते हो? जब आप बोल रहे हो कि कोई एक एक्शन आपको प्रेजेंट में, ठीक है, टेम्पररली चलने वाला है, ठीक है, हमेशा नहीं चलता रहेगा, प्रेजेंट में कुछ टाइम के लिए ही चलेगा, ठीक है, इसमें आप यूज करते हो इज एंड आर और साथ में वी फॉर, यानी वी प्लस आई एन जी का यूज. तो इस सिंगुलर के साथ एंड आई के साथ, प्लूरल आर के साथ. I am not cooking anything for dinner. He is doing his homework. ठीक है, अब he is doing his homework तो अभी अभी हो रहा है. But I am not cooking anything for dinner. ठीक है, ये तो आपको future में होना था ना, ठीक है, डिनर के लिए कुछ नहीं बनाओगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज क्यों करा? तो मैं ये भी आपको बता दूं, जो फ्यूचर में एक्शन हमें पता है डेफिनेटली होने हैं, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज कर. Yes, this is a fact. ठीक है, he leaves for Delhi tomorrow. Guaranteed है, तो simple present. He is leaving for Delhi tomorrow. Guaranteed है, तो हम present continuous में use कर सकते हैं. Up to you. ठीक है, just good to know information. My uncle is slowly recovering from a sprain. Why are you always comparing yourself to others? I am thinking about going for a bike right at the weekend. तो future में होना है, but हमने present continuous का use करा because guaranteed है कि कब होगा ही. So, present continuous कब कब use कर रहे हैं? For actions जो फिलहाल continuity में, हमेशा continue में नहीं रहेंगे. तो जो आपके स्टैटिव वर्ब्स होते हैं ना, उनके साथ भी आप ing नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल, लुक, हेयर, ओन, पोजेस, ये कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके कभी आप ing नहीं लगाओगे. अब ही इज ओनिंग अ कार नहीं बोलते हो, ही ओन्स अ कार बोलते हो, बल्कि वो अभी भी ओन कर रहा है. आप द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, मीन द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन बोलते हैं, क्योंकि वो एक एक्शन है जो हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे वर्ब्स के लिए ही आईएनजी लगाओ जो कि टेम्पररीली कंटिन्यू. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप कब यूज करते हो? जब कोई एक्शन आपका पास्ट में हो चुका है बट इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन टू समथिंग इन द प्रेजेंट. पास्ट में होकर प्रेजेंट से रिलेशनशिप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम अ लॉन्ग वे. ठीक है, तो आपने वो चीज ऑलरेडी कर ली है, बट आप अभी उस चीज को मेंशन कर रहे हो तो बोल रहे हो आई हैव कम अ लॉन्ग वे. इसके अंदर आप हैज या हैव का इस्तेमाल करते हो और साथ में लगाते हो वर्ब का थर्ड. तो जो भी आपकी परफेक्ट वाली टेंस है ना, फिर चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, उसके अंदर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना. Jim has become friends with Wilbur. तो दोस्त तुम पास्ट में बने थे, बट क्योंकि आप अभी मेंशन कर रहे हो ये वो अभी भी दोस्त हैं, तो ऐसे they have already become friends. ठीक है, तो I've just eaten dinner, have already done that. तो ये just, already, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि present perfect tense में use होते हैं. साथ ही साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि present perfect tense का जब भी mention होगा, आप ये कभी नहीं बताओगे कि action past में कब होगा. मतलब कोई भी ऐसा फ्रेज नहीं होगा जो पास्ट को इंडिकेट करेगा. ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि जिम हैव बिकम फ्रेंड्स विद विल्बर यस्टरडे. अगर हमने यस्टरडे लगा दिया तो वहां पे आप सिंपल पास्ट लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं. ठीक है, यू वुड नेवर मेंशन अ फ्रेज और टाइम जो कि पास्ट को इंडिकेट करे. लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. आई हैव नॉट सीन द आईफिल टावर. हैव यू ईटन डिनर येट? ऑल द गेस्ट्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड. सो ऑलरेडी, येट, some words for you जो कि आपके लिए hint है कि यहाँ पर present perfect tense आएगा. Moving on to present perfect continuous tense.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप कब यूज करते हो? जब आप बोल रहे हो कि कोई एक्शन आपका पास्ट में बिगिन हुआ था बट वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, तो आप बताओगे कि वो पास्ट में कब बिगिन हुआ था और अभी तक अगर कंटिन्यू हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन सेंटेंसेस में यूजुअली आपको फॉर या सिंस का यूसेज दिखेगा और इसके अंदर आपको हैज या हैव प्लस बी फोर यानी बी प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना होगा। You have been waiting here for 2 hours. तो 2 घंटे पहले ये एक्शन स्टार्ट हुआ था पर अभी तक चल रहा है। It has been raining for a week now. एक हफ्ते पहले ये एक्शन स्टार्ट हुआ था पर अभी तक हो रहा है। George has been arriving late for work recently. ठीक है, कुछ देर पहले शुरू हुआ था पर अभी तक वो चीज कंटिन्यू हो रही है। Recently I have been misplacing my wallet and keys. ठीक है, काफी टाइम से मैं अभी देख रहा हूँ कि अपनी वॉलेट और कीज खोता जा रहा हूँ। Mia has been completing in fluid compressions recently. ठीक है, उसने अभी अभी स्टार्ट करा है बट कुछ देर पहले स्टार्ट करा था पर अभी तक कर रही है। ठीक है, सो कोई भी टाइम फ्रेज दे रखा हो सकता है, रिसेंटली जैसे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, सिंस कोई मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस अ स्पेसिफिक डे, ये भी चीजें लिख सकते हैं तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करना। नाउ मूविंग ऑन टू द पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, जो एक्शन आपके ऑलरेडी पास्ट में हो गए थे, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस आप कब बताते हो? जब बोलो कि एक इंडिकेशन कि आप इंडिकेट करो कि एक्शन या इवेंट जो है ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। सो आप यूजुअली यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम या फ्रेज यूज करते हो जो कि पास्ट को इंडिकेट करे या एक स्ट्रॉन्ग उसके अंदर ना आपको हिंट मिलना चाहिए कि एक्शन पास्ट में ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दैट लेट्स से What can we say? हाँ, India got independence. अगर मैं इसमें नहीं भी बताती हूँ कि कब हुआ था, तब भी हमें पता है action past में हुआ था। So या तो एक strong indication हो कि past में हुआ है, या फिर I met your brother yesterday. अब यहाँ पर कभी भी मैं मिल सकती हूँ, तो बताना जरूरी है कि मैं कब मिली, तो मैंने yesterday लिखा। So इसके अंदर आप हमेशा verb का second form use करते हैं। Always remember that. हर tense के type में किस form को use कर रहे हो verb के, वो mention करना जरूरी है। He won the silver medal. He was proud of his victory. I walked to the store yesterday. She came back last Thursday. I didn't go to the gym last Sunday. तो हर जब आप mention कर रहे हो कि ये action हुआ कब है, ठीक है? So अगर mention है कि action कब हुआ था, तो an indication की simple past. Next, past continuous. Past continuous tense आप कब use करते हो? जब कोई action past में continue हो रहा है. पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था बट उसे किसी दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया। ठीक है, फॉर इसके अंदर आप वॉज या वर और साथ में वी प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वाज नॉट अटेंडिंग क्लासेस इन अक्टूबर। जब अक्टूबर चल रहा था तो मैं अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर रही थी। शी वाज टीचिंग ग्रामर इन द क्लास, वो अपनी क्लास में ग्रामर पढ़ा रही थी। She was not working on an email when the fire alarm rang. ये most common questions हैं जो आपके exams में आते हैं, जहाँ पर बताया होगा कि एक action past में हुआ था और when वाले phrase से बताएंगे दूसरे किस action ने interrupt करा। तो इसके अंदर आपको ना past continuous plus simple past का combination दिखता है। अभी हम combination of tenses करेंगे, but still this is an important to know information. ठीक है? तो past continuous और simple past का combination बहुत होता है। कब? जब बोल रहे हो कि एक एक्शन कॉन्टिन्यूटी में था पर दूसरे एक्शन उसे इंटरप्ट करा। यू आर बिकमिंग अ ग्रेट नॉवलिस्ट बिफोर स्विचिंग टू स्क्रीन प्लेस। ठीक है कि तुम एक अच्छे नॉवलिस्ट बन रहे थे बट फिर किसने इंटरप्ट करा? तो उस टाइम पे स्क्रीन प्लेस पर स्विच। द डेज वर गेटिंग शॉर्टर एज विंटर, जैसे जैसे विंटर आता गया डेज छोटे होते चले गए। सो यू आर सीइंग सम ऑफ द अदर एक्शन इज इंटरप्टिंग द अदर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस। Moving on to past perfect. Now, इसमें से काफी बार questions पूछे जाते हैं। अब ये आप कब use करते हो? जब आप बोल रहे हो कि past में एक action दूसरे action से पहले हुआ था। आप past में दो actions की बात करोगे और जो पहला action था बोल रहे हो कि वो दूसरे से पहले हुआ था, तो तब आप past perfect का इस्तेमाल करते हो और इसके अंदर आप had plus v3 का use कर रहे हैं। For example, I had eaten my lunch by 1 p.m. तो पास्ट में दो एक्शन हुए, लंच खाना और 1 बजना। तो आपने 1 बजने से पहले ही लंच कर लिया तो आपने पास्ट परफेक्ट लगाया। मनु हैड लर्न्ड रशियन बिफोर ही मूव टू मॉस्को। तो अगेन दो एक्शन हुए हैं, एक आपने रशियन सीखी, दूसरा मॉस्को। तो पहले आपने रशियन सीखी तो यहां पर आया
आपका पास्ट परफेक्ट। फिर आप मॉस्को गए तो यहाँ पर सिंपल पास्ट, तो जो पहला एक्शन है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, दूसरे एक्शन के लिए सिंपल पास्ट। ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस होगा, पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट। मूविंग अहेड, लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। जॉन हैड बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव्ड, अराइवल बाद में केक बेक करना पड़े। दे हैड पेंटेड द फेंस बिफोर आई हैड अ चांस टू स्पीक टू देम। द वेदर चेंज्ड बट द टीम हैड प्लान्ड इट्स नेक्स्ट मूव। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपको बिफोर आफ्टर जैसे वर्ड्स काफी बार स्पॉट ऑलवेज में होता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप कब यूज करते हो? जब एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कुछ टाइम तक कंटिन्यू होता रहा और फिर एक सर्टेन मोमेंट पे स्टॉप। पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कुछ टाइम तक कंटिन्यू होता रहा फॉर अ गिवन पीरियड और फिर स्टॉप हो गया। इसमें आप हैड प्लस बी प्लस वी प्लस आई एन जी का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट प्रमोशन। तो ये एक्शन 5 साल पहले स्टार्ट हुआ, 5 साल तक चलता रहा, ठीक है, यू केप्ट ऑन वर्किंग, बट रुका कब? व्हेन यू गॉट द प्रमोशन। ठीक है, सो इसके अंदर भी आप पास्ट सिंपल पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन देखो। ठीक है, कि ये एक्शन होता रहा था और तब बंद हो गया जब दूसरा एक्शन, जो दूसरा एक्शन इंटरप्टिंग है उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करना। Had you been watching the program since it started? जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब से तुम कैसे देख ही रहे थे? Alright? I have been writing articles on various topics for 3 hours. ठीक है, 3 घंटे पहले स्टार्ट हुआ, मैं 3 घंटे तक आर्टिकल्स लिखता रहा। He had been reading different kinds of books since morning. ठीक है, तो सुबह से, ठीक है, तुम different books read कर रहे थे। Jane had been gossiping in the coffee shop for 2 hours. ठीक है, 2 घंटे तक वो gossip कर रही थी। Alright? Now, Let's talk about future tense. Future tense आप कब use करते हो? जो आप use बता रहे हो उन actions के बारे में जो अभी तक हुए नहीं है but होंगे, और इनके आगे आप shall will लगाते हो। अब shall will ना अक्सर बच्चों confusion रहते हैं, आप shall कहाँ use करें, will कहाँ use करें। वैसे तो modern English में इनके बीच में कोई difference नहीं है, but still बेटा shall को आप I और V के साथ इस्तेमाल करते हो और will को आप बाकी सारे subjects के साथ। ठीक है, मूविंग ऑन टू सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस आप कब यूज करते हो? जब बता रहे हो कि एक एक्शन जो है फ्यूचर में होगा, या फिर आप कोई अपना प्रॉमिस, अपना कोई इंटेंट बता रहे हो। ठीक है, इसके अंदर आप विल या शैल का इस्तेमाल करते हो, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस ई एस वाला कोई घपला नहीं है, जस्ट लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसा कुछ नहीं है। आई विल फिनिश माय वर्क इन 10 मिनट्स। वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे टुमारो। My brothers will sleep till noon if no one wakes. अब ये sentence से आपको मैं एक चीज बता। अब future tense, simple future tense के साथ combination में आप simple present tense use करते हैं। Future tense के साथ usually combination में simple present tense ही आता है। जहाँ पे आप बता रहे हो कि मेरा दो भाई जो है वो 12 बजे तक सोता रहेगा अगर कोई उसे disturb नहीं करता। तो ये आप कब use करते हो? जब बोलो कि present में अगर ऐसा कुछ होता है तो future में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में। He will not say anything bad about his boss. What will you buy with the money you found? अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आप कब यूज करते हो? जब बता रहे हो कि फ्यूचर में कोई एक्शन थोड़ी देर तक कंटिन्यू होता रहेगा। इसके अंदर आप विल या शैल प्लस बी प्लस वी प्लस आई एन जी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी स्पीकिंग इन द ऑडिटोरियम दिस इवनिंग। तो कुछ देर में बोलती रहेगी ना, so will be speaking. We will be going for the party tomorrow. तो साथ ही साथ इसे आप उन actions के लिए भी use कर सकते हो जो actions guaranteed है कि होने ही होने हैं। तो आपको पता है कि कल आपने जाना ही जाना है, तो आप will be going भी use कर सकते हो instead of we will go to the party tomorrow. दोनों correct है। I will be working till next Tuesday. I will be sending you the project by email. She will be studying for her exams on weekend. So, या तो वो actions definite है कि कब होंगे, ये actions कुछ टाइम तक continue होंगे future में, तो आप future continuous tense use करें। Moving on to the future perfect tense. Future perfect tense आप कब use करते हो? जो आप बता रहे हो कि future में इस deadline से पहले इस action का काम हो जाएगा। So, अगर आप future deadline दे रहे हो, तो आप future perfect tense use करते हो। इसके अंदर आप will या shall plus have plus V3 का इस्तेमाल करते हो। इसमें has have का कोई मंगा नहीं। We will not have eaten breakfast.
बिफोर वी गेट टू द एयरपोर्ट टुमारो मॉर्निंग. तो अपने फ्यूचर की कौन सी डेडलाइन थी? एयरपोर्ट जाने की, कि जब तक हम कल एयरपोर्ट नहीं पहुंचते तब तक हम ये काम नहीं करेंगे. बाय द टाइम यू रीड दिस आई विल हैव मेट, जब तक तुम ये पढ़ते हो तब तक मैं जा चुका होऊंगा. ठीक है. सो अगेन कॉम्बिनेशन में क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फ्यूचर टेंस के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा. यहां पर भी बिफोर वी गेट, बाय द टाइम यू रीड, आई विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द टाइम आई टर्न 21. Steve will have completed all the arrangements while the birthday party starts. The guests will have arrived at the hotel by then. So, by शब्द का बड़ा इस्तेमाल दिख रहा है. जब भी ऐसे by शब्द का इस्तेमाल है, future deadline है, उसमें simple present tense आपको पता है क्या होगा? Future perfect tense का इस्तेमाल. Moving on to future perfect continuous. Future perfect continuous आप कब use करते हो? जब आप बता रहे हो कि action past में start हुआ था और फ्यूचर में कंटिन्यू होता रहेगा अगर उसे कोई दूसरा एक्शन इंटरप्ट ना. एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और फ्यूचर में कंटिन्यू होता रहेगा अगर दूसरा एक्शन उसे इंटरप्ट ना करे. इसके अंदर आप विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते. He won't have been studying long enough to qualify. ठीक है कि qualify होने तक का जब तक time आएगा तब तक ये enough study नहीं कर पाएगा. तो past में पढ़ना शुरू किया था, future में ये पढ़ता रहेगा, qualify होने तक पढ़ेगा, but enough नहीं पढ़ पाएगा. She will have been working a year when she goes on maternity leave. उसे काम करते हुए एक साल हो जाएगा future में जब maternity leave पर जाएगी. Again combination में क्या है? Simple present tense. Next, by next Thursday, I will have been working on this project for 3 years. तो अगले Thursday तक जो ये action 3 साल से पहले, 3 साल पहले शुरू हुआ था, उसे होते होते 3 साल हो जाएंगे. By 2024, Susan will be have been writing fiction for over 2 years. ठीक है, 2024 तक इस action को होते होते 2 साल हो जाएंगे. Bob will have been painting the doors by the time come home. जब तक तुम घर आओगे तब तक तुम्हें दिखेगा कि Bob painting कर रहा होगा, कि past में action start हुआ था, future में होता रहेगा और तब तक होगा जब तक तुम वहां पर पहुंचते नहीं हो. Alright? Now बच्चा बाड़ी, let's move on to the combination of tenses, यानी ऐसा topic जिसमें से आपको boards में question actually मिलते हैं. तो भाई कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में सबसे पहला कॉम्बिनेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस. इसे आप कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हो जहां पर आप बता रहे हो कि अगर आपने प्रेजेंट में कुछ करा तो इसका लाइकली आउटकम फ्यूचर में यही होना है. फॉर एग्जाम्पल कविता विल श्योरली फील दैट वी आर हाइडिंग. इसके अंदर थोड़ी आया है आई विल गाइड यू आफ्टर आई फिनिश लर्निंग. जैसे ही मैं अपना पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें गाइड करूंगा. इफ यू ठीक है, इफ यू हीट वॉटर ओवर 100 degrees Celsius इट विल स्टार्ट बॉइलिंग. ठीक है कि इट विल बॉइल. तो यहां पर आपको क्या बता रहे हो कि अगर ऐसा होता है अभी तो फ्यूचर में ऐसा होगा. इफ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली पास. पास्ट कॉन्टिन्यूस पर सिंपल पास्ट टेंस. इस कॉम्बिनेशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि जब एक एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है पर दूसरा एक्शन उसे इंटरप्ट कर देता. माई पेरेंट्स वर लीविंग टू मार्केट व्हेन आई अराइव्ड होम. ठीक है, मेरे घर वाले जा रहे थे उस टाइम पे क्या हो गया? मैं घर आ गया. पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है. ये कब यूज करते हो? जब पास्ट में आपने दो एक्शंस की बात करी और आप बोल रहे हो एक एक्शन दूसरे से पहला होगा तो जो फर्स्ट एक्शन है उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट, दूसरे एक्शन में आएगा सिंपल पास्ट. The teacher wanted to know if the students had completed writing the answers. तो स्टूडेंट्स ने पहले क्या करा होगा? आंसर्स लिखे होंगे. सो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, उसके बाद टीचर जानना चाहती थी तो सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब आता है? ठीक है कि आप इसमें बता रहे हो कि एक एक्शन बहुत टाइम तक कंटिन्यू होता रहा था पर उसे दूसरा एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया. So my brother was angry because he had been waiting for us over an hour. वो एक घंटे से वेट कर रहा था इसलिए वो गुस्सा है. या फिर my brother had been waiting for over an hour when we came. ठीक है, मेरा ब्रदर जो है 1 घंटे से वेट कर रहा था और 1 घंटे के बाद तक भी वेट करता रहता पर हम तब आ गए. सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, ये आप कब यूज करते हो? रिपोर्टेड स्पीच में यूज करते हो. ठीक है, जब आप बता रहे हो किसी भी यूनिवर्सल या हैबिचुअल फैक्ट के बारे में वहां पर आप टेंस में चेंज नहीं करते. द टीचर टॉट अस टुडे दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन.
पढ़ाया तो पहले था, बट क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि दुनिया तो सूरज के चक्कर लगाती रहेगी, सो यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, ठीक है, दिस वाला ये कॉम्बिनेशन काफी रेयर पूछा जाता है। अब बचा बाड़ी, दैट्स इट, सी वी आर ऑलरेडी डन विद टेंसेस एंड नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चन। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए कुछ ये रहा, दे प्लेड द वीडियो गेम्स होल नाइट, ठीक है, इसको इस सेंटेंस को आपको सिंपल पास्ट टेंस में, लाइक ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में है और इसे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों में बदल के देना है इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट आई कैन पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क हो ब्रदर्स एंड किडोज। ये रहा इस हफ्ते का स्केड्यूल, कुछ भी मिस आउट करा है तो देख लेना एंड कल की वीआईपी सीरीज जरूर देखनी है रात के 9 बजे फॉर रीच फॉर द डॉन। एंड बच्चा, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर रिमाइंडर्स, पीडीएस, नोट्स, एवरीथिंग, जॉइन आवर कम्युनिटी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू पिंग मी पर्सनली देन दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन फाइंड मी हियर एंड I have created an individual shorts channel for you kiddos, जहाँ पर मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत amazing shorts डालती हूँ। So go check out that channel as well. The link is in the description box. And if you like this video, enjoyed it, make sure you hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done. So guys, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते बढ़ते।